हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टांट्या भील के बारे में इन जनरल। तो देखिएगा दोस्तों, टांट्या भील का और भी नाम है, टांट्या मामा बोला करते हैं एंड इंडियन रॉबिन हुड। तो दोस्तों, टांट्या भील का जन्म 1840 या 42, ये डिफर करता है अदर सोर्सेस में, खंडवा में हुआ था। देखिएगा, वो भील कम्युनिटी से थे और भील कम्युनिटी एक जनजाति है, आदिवासी कम्युनिटी है ऑफ इंडिया, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। 1857 की क्रांति के टाइम पे उनकी एज महज 15 से 17 साल की रही होगी। वो उससे काफ़ी इंस्पायर हुए और 1874 में पहली बार जेल गए, क्योंकि वो गलत काम किया करते थे इन द आइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखिएगा, एक साल की जेल उनको 1874 में हुई। जेल से वापस आने के बाद वो बड़े बड़े चोरियां करने लगे, किडनैपिंग करने लगे। देन इसके बाद 1878 में हाजी नसरुल्ला उन्हें गिरफ्तार करते हैं और खंडवा जेल भेज देते हैं। वहां से उन्होंने 3 दिन में ही भागने में सफल रहे और उसके बाद वो एक डकैत का रूप धारण कर लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास काफ़ी चमत्कारिक ताकतें थीं, ऐसा लोग बोलते हैं। एंड उनको जितने भी परंपरागत हथियार हैं ऑफ व्हील ट्राइब्स, जो कि आप पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप आज भी देख सकते हैं, वो सभी चलाने में वो निपुण थे। देखिएगा, टांट्या भील साइमल्टेनियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड होलकर सरकार से, जो कि इंदौर की होलकर सरकार है, होलकर जो राजा रहे हैं वो ब्रिटिश के सपोर्टर रहे हैं, उन दोनों से हमेशा फाइट करते रहे। देखिएगा दोस्तों, उनकी छवि इंडियन रॉबिन हुड की इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो अमीरों को, खासकर अगर ब्रिटिश ट्रेजरीज हैं उसको लूट लिया करते थे। उनको ये परवाह नहीं होती थी कि कितनी बड़ी सामने फौज है, वो सभी को हरा दिया करते थे और जो लूट का माल हुआ करता था वो गरीबों में, असहायों में बांट दिया करते थे। उनके सपोर्ट में कितने सारे लोग हैं जो कि कई बार जेल भी जा चुके हैं। देखिएगा दोस्तों, होता क्या है कि 19 अक्टूबर 1889 में उनको फांसी दे दी जाती है। जबलपुर सेशन कोर्ट का फैसला रहता है। होता क्या है कि उनकी मुंहबोली बहन के पति गणपत नाम रहता है, वो उनको धोखे से गिरफ्तार करवा देते हैं। और देन जब उनको फांसी दे दी जाती है जबलपुर सेशन कोर्ट के फैसले के द्वारा, तो उनकी बॉडी को पाताल पानी, जो कि इंदौर के पास एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर फेंक दिया करते हैं ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। तो आज भी क्या होता है कि जितने भी ट्रेन उधर से गुजरती हैं तो लोको पायलट्स टांट्या मामा को याद करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं। और यही वजह है कि आज 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने ये डिसीजन लिया है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल के टांट्या भील के नाम पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा भी है, अब आप टांट्या भील के असली स्वरूप को जान गए होंगे कि वो काफ़ी अच्छे एक व्यक्तित्व थे एंड जो कि भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।